दोस्तों, यदि आप पेटीएम यूज करना चाहते हैं और इसके लिए अभी आप घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी करा के पेटीएम के अंदर आप अपना वॉलेट इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के टाइम आप पेटीएम के अंदर ऑनलाइन केवाईसी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आरबीआई के द्वारा पेटीएम के अंदर न्यू यूजर्स ऐड करने से रोक लगा दिया है। तो इसके लिए आप लोग पेटीएम के अंदर केवाईसी नहीं करा सकेंगे और केवाईसी के अलावा आप पेटीएम के अंदर ना ही वॉलेट ओपन कर पाएंगे और ना ही दोस्तों पेटीएम के अंदर पेटीएम पे अकाउंट खोल सकेंगे। तो भाई लोग, अभी के टाइम पे यदि आप पेटीएम यूज करना चाहते हैं तो इस केस में बस एक ही रास्ता है कि यदि आपके पास पहले से ही एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट का एटीएम डेबिट कार्ड आपके पास है, तो इस केस में आप उस बैंक अकाउंट को पेटीएम के साथ जुड़ के अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम के थ्रू मनी ट्रांसफर या फिर रिसीव कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस केस में आपके पास ना ही कोई बैंक अकाउंट है और ना ही आपके पास कोई एटीएम डेबिट कार्ड है, फिर भी दोस्तों यदि आप पेटीएम यूज करना चाहते हैं तो इस केस में आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि विदाउट किसी बैंक अकाउंट के, इसके अलावा विदाउट किसी केवाईसी के कैसे आप लोग पेटीएम यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोग बिना किसी बैंक अकाउंट के, इसके अलावा बिना कोई केवाईसी के कैसे आप लोग पेटीएम यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना पेटीएम ओपन कर लिया है, तो नीचे आके जैसे मैं यहाँ पे रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, उसके बाद व्हाट्सएप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे रेफर करता हूँ, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे 100 रुपया कैशबैक दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे सेंड करते हैं। सेंड करने पर दोस्तों यहाँ पे एक लिंक दिखाया गया है, तो दोस्तों इस वाले लिंक को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। तो लिंक पे क्लिक करके यदि आप पेटीएम को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो इस केस में आपको भी 100 रुपया मिलेगा और मुझे भी 100 रुपया मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपया कैश दिखाया गया है फर्स्ट पेमेंट करने पर। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि भाई लोग, मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है, तो मान लीजिए कि ये वाला फोन आपका है, तो आपके फोन में क्या करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपने फोन को साइड में रखता हूँ और इस फोन के माध्यम से आप लोगों को पेटीएम यूज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप पे रिफर किया था जो कि इस फोन में आ चुका है, इसे ओपन करते हैं। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे ये लिंक दिखाया गया है, तो लिंक पे क्लिक करने से पहले आप लोगों को एक काम करना है, क्या करना है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है पेटीएम। उसके बाद दोस्तों, यदि आपके फोन में पहले से ही पेटीएम इंस्टॉल है तो सिंपली से आपको उसे अनइंस्टॉल करना है। जैसे कि भाई लोग, इस फोन में पहले से ही इंस्टॉल है, तो सिंपली से मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे प्रेस करके इसे मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पे आपको सिंपली से क्लिक करना है, तो ऐसे में दोस्तों आपके सामने प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा और आपके सामने पेटीएम ऐप दिखाया जाएगा। उसके बाद सिंपली से आपको पे इंस्टॉल वाला ऑप्शन पे प्रेस करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सिंपली से पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं उस वाले मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे सिंपली से डाल दीजिएगा। तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस सिक्योरली वाला ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ अलाउ परमिशन मांगेगा, तो इन सबको यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यदि आपके फोन में 2 सिम कार्ड है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपने जो नंबर डाले है वो 1 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर से पेटीएम में एक मैसेज सेंड किया जाएगा। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे ये मैसेज सेंड हो चुका है, तो इसके लिए आपके सिम कार्ड में एसएमएस पैक इसके अलावा बैलेंस होना चाहिए, तो ही यहाँ पे मैसेज सेंड हो पाएगा। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे मैसेज सेंड हो चुका है और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि वेलकम टू पेटीएम। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो यदि आपके पास पहले से ही बैंक अकाउंट है, तो ऐसे में आप यहाँ पे नीचे लिंक माई बैंक अकाउंट पे प्रेस करके आप अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करके मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इस केस में आप यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे प्रेस करिएगा और दोस्तों यहाँ पे डू इट लेटर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे सिंपली से प्रेस कर दीजिएगा, तो ऐसे में आपके सामने पेटीएम ऐप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, पेटीएम के अंदर आप केवाईसी नहीं करा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा बैंक के बारे में बताऊंगा जिस बैंक को आप बहुत ही आसानी के साथ बस 5 मिनट में अपने फोन के माध्यम से ही ओपन कर सकते हैं। और उस वाले बैंक अकाउंट को दोस्तों आप यहाँ पे पेटीएम में ऐड करके कहीं पे भी मनी
ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस बैंक का नाम है दोस्तों जियो पेमेंट्स बैंक, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैसे आप लोग जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो भी 5 मिनट के अंदर, चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास जिस भी कंपनी का सिम कार्ड हो तो आप उस वाले सिम कार्ड के माध्यम से जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जियो सिम कार्ड ही होना चाहिए। तो जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या करना है कि आपको अपने फोन में अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है, उसके बाद सर्च बार में टाइप करना है माय जियो, उसके बाद आपको अपने फोन में माय जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सिंपली से आपको यहां पे इसे ओपन करना है। ओपन करने पर आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा, तो आपको यहां पे सिंपली से अपना मोबाइल नंबर डाल के यहां पे लॉग इन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहां पे मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन किया है और मेरे नंबर पे ओटीपी दिया है, उसके बाद दोस्तों मैं यहां पे माय जियो ऐप के अंदर लॉग इन हो चुका हूं। तो ऐसे ही आपको माय जियो के अंदर लॉग इन हो जाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहां पे स्क्रॉल करना है कुछ इस टाइप से, उसके बाद लास्ट में आपको यहां पे बैंक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं। तो इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है और यहां पे अलाउ परमिशन मांगेगा, तो आपको यहां पे इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप सब यहां पे देख सकते हैं कि वेलकम टू जियो पेमेंट्स बैंक। तो भाई लोग जैसे कि यहां पे बताया गया है कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसका मतलब दोस्तों जीरो बैलेंस में आप जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ऐड करना होगा, आप जीरो बैलेंस में ही सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना सिम कार्ड चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर का सिम जो कि एयरटेल का है उससे बनाना चाहता हूँ, तो इस पे मैंने टिक मार्क लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एम पिन सेट करना है, तो 4 डिजिट का एम पिन आपको यहाँ पे डालना है। तो 4 अंकों का नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हैं अपना एम पिन, उसके बाद सेम टू सेम नीचे वही एम पिन डाल के कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में एम पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट, मतलब दोस्तों जियो पेमेंट्स बैंक का सेविंग अकाउंट किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा, तो टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया जाएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली से डालना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और दोस्तों कंट्री आ जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप मिस्टर है मिसेस है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, तो मैं यहाँ पे मिस्टर चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम के अंदर आप अपना खुद का नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है और यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है कि आप क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिया गया है, तो जिसे भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली से बिजनेस चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप कहाँ से कमाते हैं, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है कि आप सालाना कितना कमाते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लाख टू 5 लाख को चूज कर लूंगा। तो भाई लोग जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। कहाँ पे काम आने वाला है वो मैं आप सबको आगे बताऊंगा। तो सारा कुछ सही से डालने के बाद इस बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपका आधार कार्ड का एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम टू सेम है तो ऐसे में आप यहाँ पे इसे टिक मार्क लगा दीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे इसे अनटिक करके अपना करंट एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यदि आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उसी एड्रेस में ही यदि आप रहते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पे आप सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यदि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे यस पे टिक मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करिएगा। तो नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे प्रेस करिएगा और उसके बाद यहाँ पे चूज करिएगा कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसका फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस और आपका एड्रेस यदि सेम टू सेम है तो ऐसे में आप इस पर टिक मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करिएगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे प्रेस करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करना होगा। इसका मतलब दोस्तों जियो पेमेंट्स बैंक के द्वारा एजेंट आपके वीडियो कॉल पे आएगा और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसका आपका आंसर देना है। उसके बाद आपका
केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसी से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, कहां से कमाते हैं और साल भर में कितना कमा लेते हैं। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं उसी से ही आपको क्वेश्चन किया जाएगा, जिसका आपका सही आंसर देना है उसके बाद दोस्तों आपका केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिससे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए जैसे कि यहाँ पे चार चीज बताया गया है कि मोबाइल फोन विद कैमरा, मतलब आपके फोन में कैमरा होना चाहिए। उसके बाद स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वीडियो केवाईसी करने के लिए सिंपली से यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टार्ट कॉल विद द एजेंट का ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ अलाउ परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना है। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पे 2 मिनट का टाइमिंग दिखाया गया है, तो इसी टाइमिंग के अंदर मेरे साथ एक एजेंट आ जाएगा। तो आपके साथ भी एक एजेंट आएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे साथ एक मैम आ चुके हैं। तो भाई लोग मैम सबको बता दूं कि मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया और जो भी डिटेल्स मैंने फिल किए थे उसी से ही दोस्तों मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे सही सही दिया। इसके अलावा जो मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड है उसे दिखाने के लिए कहा, वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो भाई लोग आप सबको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस सिंपल सा कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसी से ही आपको क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आपका सही आंसर देना है और अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो केवाईसी हो चुका है कंप्लीट। तो भाई लोग ऐसे ही आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करा लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनट के अंदर या फिर कुछ ही घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो भाई लोग कुछ ही घंटे के बाद मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया गया है। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अपना एमपिन डालता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों मेरा अकाउंट नंबर भी दिखाया गया है। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर या फिर एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मुझे दे दिया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद उस जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट को अपने पेटीएम में ऐड करके पेटीएम के माध्यम से कहीं पे भी मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलिए अभी आप लोगों के सामने ही अपने पेटीएम में अपने जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाते हैं। तो इसके लिए अपना पेटीएम ऐप ओपन करना है और इस लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मेरे पेटीएम के अंदर पहले से ही मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके अलावा कनाडा बैंक ऐड है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको भी यहाँ पे ऐड बैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ढूंढ लेना है। जैसे कि दोस्तों ये रहा मेरा जियो पेमेंट्स बैंक, तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा। ऐसे में यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेने के बाद बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, तो इस पे मैं सिंपली से टिक मार्क लगा दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट के माध्यम से कहीं पे भी मनी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एमपिन डाल दिया है और ये देखिए यहाँ पे मेरा जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाया गया है जो कि मैंने ऐड किया था। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मनी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे टू यूपीआई ऐप्स पे क्लिक करिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं एक यूपीआई आईडी पे मनी ट्रांसफर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना फोन पे का यूपीआई आईडी डाल दूंगा। तो यदि आप चाहते हैं फर्स्ट पेमेंट करना, तो इस केस में आप मेरे ही यूपीआई में 1 रुपया भेज सकते हैं, जिससे आपको 100 रुपया कैशबैक मिल जाएगा। जैसे कि भाई लोग मैंने यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी पे वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है 1 रुपया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नीचे जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट दिखाया गया है। चलिए अब यहाँ पे वाले ऑप्शन पे प्रेस करके एमपिन डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ बस 5 मिनट में अपने मोबाइल के माध्यम से जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट को पेटीएम के साथ जुड़ के पेटीएम के माध्यम से कहीं पे भी मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और लिंक पे क्लिक करके पेटीएम को अपने फोन में इंस्टॉल करके जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट को ओपन करके उस बैंक अकाउंट को पेटीएम में ऐड करके ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन का मजा लीजिए। सो भाई लोग आज
आज के इस वीडियो के अंदर बस ये बताना था, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो उनसे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वाई, मिलते हैं अगला वीडियो पर।